नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला का हुआ आगाज। सीएम धामी वन मंत्री और अधिकारियों के साथ किया पौधारोपण। प्रदेशवासियों को दिया प्रकृति बचाओ का संदेश। गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के बाद उत्तराखंड सरकार सख्त। कांवड़ यात्रा को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा। हरिद्वार में भारी सुरक्षा बल की तैनाती। हरिद्वार में गंगा जल लेकर जा रहे कांवड़िए की थमी सांसें। रहमतपुर मार्ग के पास अचानक गिरने से मौत। मृतक कांवड़िए की अब तक नहीं हो सकी शिनाख्त। उत्तराखंड में रोडवेज बस ऑटो से सफर करना हुआ महंगा। सार्वजनिक परिवहन के किराए में 25% तक की बढ़ोतरी। एसी बसों में 95 रुपये तक बढ़ा किराया। उत्तराखंड मौसम विभाग ने 19 और 20 जुलाई के लिए जारी किया रेड अलर्ट। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। देहरादून हरिद्वार टिहरी में सावधानी के निर्देश। रुद्रप्रयाग के छेनागाड़ बक्सीर मोटर मार्ग पर लैंडस्लाइड। पहाड़ी से पेड़ और मलबा टूटकर रोड पर गिरा। कई गांवों का संपर्क मार्ग मुख्यालय से टूटा। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से। खबर आ रही, सड़क के बीचों बीच चलती कार में आग लगी है। चलती कार में आग लगने का मामला सामने आया है। पौश इलाके के राजपुर रोड पर चलती कार में आग लगी है। कार में आग से राजधानी की सड़क पर जाम लग गया। आग में किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं जिस कार में आग लगी। देहरादून का ये मामला है। राजपुर रोड की घटना बताई जा रही जिसके बाद सड़क पर जाम की स्थिति भी बन गई। पौश इलाका बताया जाता है राजपुर, जहां पर ये कार में आग लगने की घटना सामने आई है। इसी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जुड़ गए हैं। राजेश, जो ये घटना हुई है क्या इसके पीछे कारण है, जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल शैलेंद्र, मैं बता दूं कि ये राजपुर रोड देहरादून राजधानी का पौश इलाका है, जहां पर जितने भी यात्री हैं या ये रूट जो है ये मसूरी की तरफ रूट जाता है और ये राजपुर रोड जो है काफी रिहायशी इलाका कहा जाता है इसको, और राजधानी के बीचों बीच है। लेकिन चलती गाड़ी में जो है ये इस तरीके से एक इलेक्ट्रिक शॉक जो है उस गाड़ी को होता है, तो जो इसके चालक है और एक और टीम के साथ है, तो उन्होंने समझदारी बताते हुए जो है तुरंत जो है वो कार से निकल गए। लेकिन जिस तरीके से वो दिखते उसके बाद धू करके जो ये आग है आग में तब्दील जो है होने जा रही थी। ये गाड़ी काफी नुकसान जो है वो डैमेज इस गाड़ी को हो चला है। लेकिन सबसे बड़ी गनीमत की बात यह है कि हताहत होने की जो है इसमें कोई सूचना नहीं है, सभी लोग जो है सेफ है। लेकिन तुरंत तत्काल जो है, क्योंकि राजधानी के बीचों बीच का मामला है, तो तमाम जो पुलिस कर्मी है जो दमकल की गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंची और इसको जो है समय के साथ साथ जो है इस पे आग पर जो है वो काबू पा लिया गया। और कार सवार जो लोग हैं सभी सुरक्षित हैं, ये एक अच्छी खबर है। शुक्रिया राजेश जानकारी के लिए। देहरादून का मामला आपको बता रहे हैं। राजपुर रोड पर कार में आग लगी, तस्वीर आप देख सकते हैं। उसके बाद जाम की स्थिति भी बन गई। और अगली खबर हरिद्वार से आ रही। पंचायत चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पंचायत चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर गठजोड़ जारी है। बीजेपी के तीन नेताओं ने थामा बीएसपी का दामन। बीएसपी के हुए पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा, दो जिला पंचायत सदस्यों ने भी ज्वाइन की बीएसपी। जिला पंचायत सदस्य विजेंद्र चौधरी बीएसपी में शामिल हुए हैं। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता राम गोपाल जुड़ गए हैं हरिद्वार से। राम गोपाल, बड़ा झटका माना जाए बीजेपी के लिए?
बिल्कुल सरेंद्र, देखिए हरिद्वार जिले में जिस तरीके से पिछली पंचायत चुनाव के आरक्षण लिस्ट जारी हुई है और कहीं ना कहीं गठजोड़ भी जो है अब जो है जो दावेदार हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अब जो बीएसपी में जो शामिल हुए हैं राजेंद्र, तो कहीं ना कहीं ये पहले भाजपा में जो है जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं और अपने आप में एक अच्छा वजूद रखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जिला पंचायत चुनाव की जो तैयारी अब कहीं ना कहीं हरिद्वार जिले में चल रही है उसको लेकर के, और पहले भी क्योंकि जिस तरीके से जो के पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं रविंदर और चौधरी विजेंद्र, ये कहीं ना कहीं दोनों भाई अपने आप में एक अच्छा वजूद रखते हैं, क्योंकि चुनाव को लेकर के अब जोड़ भी जारी है और बीजेपी को यहाँ झटका लगा है, क्योंकि जिस तरीके से अब चुनाव सर पर है, क्योंकि बसपा भी कहीं ना कहीं जो है एक अच्छा वोट बैंक होने के साथ साथ कहीं ना कहीं हरिद्वार जिले में वजूद रखती है, क्योंकि काफी वोट बैंक ऐसी समाज से जो है हरिद्वार जिले में माना जाता है। तमाम विधानसभाओं की अभी हम बात कर लें, क्योंकि जिस तरीके से आप परिश्रमण हुआ है परिश्रमण के बाद देखने वाली बात होगी, बीजेपी अपने आप को किस तरह यहाँ तैयार करेगी, मजबूत करेगी अपने आप को। शुक्रिया राम गोपाल, और आप बने रहिए, वापस आपके पास लौटेंगे। और फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबा केसरी। न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए बदहाल श्री की लंका इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और महाभारत का गवाह इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। जहाँ इंडिया करे सेलिब्रेशन वहाँ होए दशन का जश्न, राजश्री इलायची दशन का जश्न। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर हरिद्वार से आ रही है, गंगा जल ले जा रहे कांवड़िया की मौत का मामला सामने आया है। अचानक गिरने से कांवड़िया की जान चली गई है। कांवड़िए की मौत का मामला सामने आया है, अचानक गिरने की वजह से जान चली गई। मृत कांवड़िए की शिनाख्त नहीं हो पाई है। कलियर हाईवे स्थित रहमतपुर मार्ग का ये मामला बताया जा रहा है। रामगोपाल हमारे साथ बने हुए हैं हरिद्वार से। रामगोपाल, जो मृत कांवड़िया है, क्या अब तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, क्या कुछ जानकारी अब तक मिल पाई है? बिल्कुल सलेंडर, देखिए हरिद्वार में जिस तरीके से कांवड़िए अब गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्य तक जा रहे थे, ये कांवड़िया भी इसी तरीके से हरिद्वार से जल भरकर अपने कांवड़ रूट के साथ में अपने गंतव्य को निकल रहा था और कलियर के जो हाईवे है और रहमतपुर के पास में इसको अचानक चक्कर आने से जो है गिर पड़ा और कहीं ना कहीं जो इसकी मौत है वो हो गई है, क्योंकि सूचना पर जिस तरीके से पुलिस पहुंची है, पुलिस ने जो है शव की शिनाख्त करने की भी कोशिश की है, क्योंकि जो कांवड़िया था उसके पास वोटर आईडी या कुछ इस तरीके का पहचान ना होने की वजह से जो है शिनाख्त भी नहीं हो पाई है और आसपास में जिस तरीके से हालांकि पुलिस ने पूछताछ की लेकिन शिनाख्त ना होने से जो है सब को मर्चरी में रखवा दिया गया है और अभी भी क्योंकि पुलिस पहले ही ये सतर्कता के साथ में जो निवेदन भी कर चुकी है कि जो भी कांवड़िया हरिद्वार पहुंचेगा वो अपने साथ में अपना पहचान पत्र या फिर वोटर आईडी कार्ड जरूर लेकर आए, तो इसी को लेकर के प्रशासन की कोशिश है कि आगे ऐसे हादसे ना हो। शुक्रिया रामगोपाल जानकारी के लिए। और यहां पर वक्त एक ब्रेक का है, खबरें भी और भी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं की न्यूज,
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर ऋषिकेश से है। गंगा नदी में स्नान के दौरान हादसा हुआ है। ऋषिकेश से खबर बता रहे हैं। नीम बीच पर गंगा स्नान के दौरान यह हादसा हुआ है। एसडीआरएफ की टीम युवकों की तलाश में जुटी है। मुनि की रेती स्थित गंगा घाट का यह मामला है। गंगा नदी में स्नान के दौरान ये हादसा हुआ है। मुनि की रेती के पास तीन युवक स्नान के दौरान डूब गए हैं। इसके बाद एसडीआरएफ पहुंची और युवकों की तलाश में जुटी है। एसडीआरएफ की टीम युवकों की तलाश में जुटी है। तीन युवकों के डूबने का मामला सामने आया है। ऋषिकेश के पास मुनि की रेती के पास स्नान के दौरान ये हादसा हुआ है। और ऋषिकेश से हमारे संवाददाता बसंत कश्यप जुड़ गए हैं। बसंत, जो युवक डूबे हैं उनके बारे में क्या जानकारी अब तक? देखिए शैलेंद्र, मैं बता दूं, नीम बीच का ये मामला है, मुनि की रेती थाना क्षेत्र का। ऋषिकेश के ग्रामीण क्षेत्र के जो छह युवक है, ये पिकनिक मनाने के लिए नीम बीच गए थे और वहां पर तीन लोग नहाने लगे और तीनों युवक नहाते समय गंगा में डूब गए। हालांकि सर्च ऑपरेशन एसडीआरएफ और जल पुलिस का अधिक चल रहा है। देर रात होने के कारण और तेज बहाव के कारण अभी सर्च ऑपरेशन रोका गया। चलें। बिल्कुल, शुक्रिया आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़े रहने के लिए। वसंत, तीन युवक जो हैं उनके डूबने का मामला सामने आया है। मुनि की रेती के पास स्थित गंगा घाट का ये मामला आपको बता रहे हैं। हरेला पर्व के मौके पर वन विभाग द्वारा आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करने पहुंचे। इस मौके पर सीएम धामी ने वन मंत्री सुबोध उनियाल के साथ पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरेला पर्व के तहत एक माह तक वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। प्रत्येक जनपद में जल स्रोतों एवं गदेरों के पुनर्जीवन एवं संरक्षण के लिए कार्य किए जाएंगे। विकास एवं पर्यावरण में संतुलन होना बेहद जरूरी है। आने वाली पीढ़ी को शुद्ध पर्यावरण मिले, इसके लिए हमारा ये सामूहिक प्रयास और जिम्मेदारी है। तो हरेला पर्व की बधाई दी गई है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से, और पर्यावरण को लेकर उन्होंने तमाम बातें कही हैं कि अब ज़रूरत है कि किसी भी तरह पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाए ताकि आने वाली जो पीढ़ी है उसे नुकसान ना पहुंचे। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल
बोलो जुबां केसरी। ई न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए बदहाल श्री श्रीलंका इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और महाभारत का गवाह इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची टशन का जश्न। आप देख रहे हैं की न्यूज खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नैनीताल में वन विभाग ने हरेला पर्व धूमधाम से मनाया। भूमिहार में एक साथ 200 से ज्यादा पौधों का रोपण किया गया। वहीं हरेला पर्व के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ नैनीताल विधायक सरिता आर्या ने किया। इस बार वन विभाग ने 1,50,000 पेड़ लगाने के लक्ष्य को रखा है, जिसमें फलदार पेड़ों के साथ पानी वाले पेड़ों को भी लगाया जा रहा है। अभी शासन से और माननीय वन मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से निर्देश है कि 50% फलदार वृक्ष को प्लांट्स को प्रमोट करने के लिए, तो 50% जंगली प्रजाति और 50% फलदार वृक्ष के लिए अभी चल रहे हैं। अभी 200 पौधा का रोपण अभी इधर हो रहा है और इसके बाद फिर हमारे प्लांटेशन एक्टिविटीज ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं। 150 हेक्टर का 1,50,000 का पौधा का रोपण ऑलमोस्ट कम्प्लीट होने वाला है। इसके अलावा स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह को भी हर जगह जो डिमांड है उस हिसाब से हमने पौधा बांट चुका है, तो हर जगह प्लांटेशन हो रहे हैं। सावन माह में उत्तराखंड में हरेला पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश भर में जगह जगह पेड़ पौधे रोपित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में डोईवाला के थाना क्षेत्रों में बने इको पार्क में सैकड़ों पेड़ पौधों का रोपण किया गया। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी इस अवसर पर वृक्षारोपण किया। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि धरती को हरा भरा बनाने और पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाने के साथ उनकी रक्षा करना भी बेहद जरूरी है। पर्व ये आज जन जन का पर्व बन गया है और हरेला पर्व ये कहें कि वनों के प्रति जागृति, वनों के प्रति संरक्षण का भाव, ये प्रेरणा हमको आज हरेला पर्व से मिलती है। हरेला पर्व पर राज्य सरकार लगातार पिछले 5-6 सालों से बहुत गंभीरता के साथ इस त्यौहार को आम जन सहभागिता से मना रही है। हम तो सभी प्रदेशवासियों को हरेला के इस पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, और हरेला का यह पर्व जो है हमारी उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, जो कि हमको हरियाली की ओर और प्रकृति की ओर जोड़ता है। तो इस पर्व पर बढ़ चढ़ कर अपने घरों के आसपास जंगल की जमीन पर जहाँ पे भी भूमि उपलब्ध हो सब लोग पौधे लगाएं, यही शुभकामनाएं हैं। जितने ज़्यादा हम पौधे लगाएंगे उतना बेहतर हमारे सामने हमारे आसपास का वातावरण होगा। यहाँ पे पीपल बेल इत्यादि का रोपण किया जा रहा है और ढेर सारी प्रजातियाँ हैं। तो मैं आज हरेला पर्व की सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और आज हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर और हमारी विधानसभा के अंदर भी इस समय यह अभियान का शुभारंभ हुआ है। आज हम लोग सुबह अपने नथुवाला नथरौंदा अपने जितने भी हमारे बालावाला मंडल अपना ये डोईवाला क्षेत्र में आज सुबह से अभियान चल रहा है। रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं की न्यूज खबरों का सारथी। की न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए बदहाल श्री श्रीलंका इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और महाभारत का गवाह
इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इसी बीच आपको सीधे ले चलेंगे दिल्ली, जहां बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। तो आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी जो है के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयप्रकाश नड्डा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट के गांव में वहां हुआ और गांव के स्कूल से पढ़ाई करते हुए उन्होंने सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से अपनी शिक्षा ली। बाद में वो राजस्थान यूनिवर्सिटी में फिजिक्स की उन्होंने पढ़ाई की और साथ में LLB किया। वह फर्स्ट जनरेशन के प्रोफेशनल हैं, यानी वकालत के रूप में वो फर्स्ट जनरेशन में वकील बने और बहुत ही कम समय में उन्होंने अपने आप को राजस्थान हाई कोर्ट में एक सक्षम वकील, एक प्रसिद्ध वकील के रूप में स्थापित किया और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने अपना नाम एक वकील के रूप में स्थापित किया। सो ही इज ए फर्स्ट जनरेशन लॉयर, फर्स्ट जनरेशन प्रोफेशनल। और सार्वजनिक जीवन में आने से पहले वो एक प्रतिष्ठित वकील के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। वो सुप्रीम कोर्ट में वकील थे जब उन्होंने पहली बार लोकसभा 1989 में झुंझुनू से चुनाव लड़ा और वहाँ से वो विजय हासिल की और बाद में वो 1990 से लेकर के 1993 तक वह पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री रहे और बाद में वो राजस्थान के किशनगढ़ कंस्टिट्यूएंसी अजमेर डिस्ट्रिक्ट से विधानसभा के भी सदस्य रहे और उनका एक लंबा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस रहा है। हम सब जानते हैं कि वो जुलाई महीने 2019 में उन्होंने राज्यपाल का पद वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के पद को संभाला एज गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। और हम जानते हैं कि उनकी छवि पीपल्स गवर्नर, लोगों के गवर्नर, लोगों के दिल पर राज करने वाले ऐसे शख्सियत के रूप में राज्यपाल के रूप में स्थापित हुए हैं। और उन्होंने जिस तरीके से सार्वजनिक जीवन में सेवा की है और लंबे समय तक सेवा की है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी और NDA ने ये तय किया कि किसान पुत्र, साधारण परिवार से बढ़ते हुए फर्स्ट जनरेशन के प्रोफेशनल, फुल्ली इक्विप्ड एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव विद एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी और जिनका सार्वजनिक जीवन में एक बहुत ही अच्छा योगदान रहा है, ऐसे प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी और NDA अपना उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट का प्रत्याशी घोषित करती है और आगे चल करके उनके नॉमिनेशन की तारीख भी तय होगी और फिर चुनाव की दृष्टि से तैयारी होगी। मुझे यही आप सबको बताना था। श्री जगदीप धनखड़ हमारे NDA के प्रत्याशी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस समय की सबसे तो आपको बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं, NDA ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम जारी कर दिया है। जगदीप धनखड़ होंगे उपराष्ट्रपति पद के दावेदार। NDA की तरफ से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल के तौर पर उन्होंने सेवाएं दी हैं और अब वो NDA के लिए उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनेंगे। काफी चर्चाओं में रहे हैं पश्चिम बंगाल में राज्यपाल के पद के तौर पर उन्होंने काफी चर्चाएं बटोरी हैं। जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं उनके और इनके बीच अक्सर विवाद की स्थिति भी देखने को मिली है। अभी अगर हाल ही की बात करें तो जो एक बिल पास किया गया था पश्चिम बंगाल में, जिसमें कहा गया था कि जो कुलाधिपति हैं उसको, उसके तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नामित करने का विधायक था, लेकिन
उसे मंजूरी नहीं दी। और इसी खबर पर हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी जुड़ गए हैं। सर कैसे देखते हैं, काफी चौंकाने वाला, क्योंकि बहुत सारे नामों की चर्चा थी लेकिन जगदीप धनखड़ का नाम कहीं नहीं था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं शैलेंद्र। वास्तव में यही बस सवाल उठ रहा था अभी थोड़ी देर पहले, मैं कही रहा था इस बात को कि क्या कोई राज्यपाल होगा। आरिफ मोहम्मद खान की तरफ लोगों का ज्यादा ध्यान जा रहा था, कुछ लोग मुख्तार अब्बास नकवी की बात कर रहे थे, और ऐन वक्त पर एक नाम आया था राजनाथ सिंह का। ये भी हो रहा था कि राजनाथ सिंह को भी उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है, ठीक उसी तरीके से जैसे वेंकैया नायडू को बनाया गया था। जिस वक्त वेंकैया नायडू बने थे वो शहरी विकास मंत्री थे और बड़े कद्दावर भारी भरकम मंत्री थे, लेकिन वेंकैया नायडू को साइडलाइन करके उनको राष्ट्रपति बनाया गया। तो ये काफी कुछ राजनीतिक विश्लेषक इस बात को मान रहे थे कि हो सकता है कि राजनाथ सिंह को इस बार राष्ट्रपति बनना पड़े, ये बनना पड़े शब्द का इस्तेमाल वो कर रहे थे। लेकिन जगदीप धनखड़ का नाम आ जाने के बाद ये तो तय हो गया है कि अभी भी राजनाथ सिंह की केंद्र सरकार में और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में अभी काफी दमखम बाकी है उनके अंदर, और उनका अभी भी बहुत काफी दखल है, उनको किनारे कर पाना इतना आसान नहीं है लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से और अन्य दृष्टिकोण से। ये बात बिल्कुल साफ हो गई, हालांकि ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव खबर है, सत्य बात है ये कि राजनाथ सिंह से ये पूछा गया था आखिरी वक्त कि भाई आप उपराष्ट्रपति के लिए आपका नाम आगे बढ़ाया जा रहा, तो उन्होंने सख्ती से इस बात से इनकार कर दिया था। और यहाँ तक भी खबरें हैं कि वो बहुत अच्छे तरीके से अच्छे मूड में नजर नहीं आए, तो उन्होंने इसका प्रतिरोध भी किया। जी सर, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे हैं लगातार, जो ममता बनर्जी हैं उनका मुकाबला किया है। अक्सर हम देखते हैं ममता बनर्जी का मुकाबला करना बड़े बड़े नेताओं के लिए टेढ़ी खीर रहा है, लेकिन वो डटे रहे। पश्चिम बंगाल जैसे ही जगह वो रहे, और अभी हाल ही में एक बिल पारित हुआ था पश्चिम बंगाल की विधानसभा में कि वहाँ जो कुलपति होंगे उनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री करेंगे, उन्होंने उसको भी स्वीकार कर दिया था। साथ ही साथ राजनीतिक दृष्टि से देखें तो राजस्थान से इनका जुड़ाव है, राजस्थान में राजनीति में भी सक्रिय रहे हैं ये, और सदस्य भी विधानसभा के रहे हैं, और राजस्थान में चुनाव भी आने वाले वक्त में। क्या सर इसको इससे जोड़कर देखा जा सकता है? इसको शैलेंद्र अलग अलग कोणों से देखना होगा। ये केंद्र में मंत्री भी रह चुके जगदीप धनखड़, और एक बहुत ही नेता के साथ साथ एक तगड़े प्रशासक भी हैं वो, और इसका मुजाहिरा उन्होंने पश्चिम बंगाल में किया है। और भारतीय जनता पार्टी को, पार्टी के नेता चाहे केंद्र से गए हों चाहे बंगाल के लोकल नेता हों, वो उतना मजबूती से मुकाबला नहीं ममता बनर्जी का कर पाए जितना संवैधानिक पद पर बैठकर जगदीप धनखड़ ने मुकाबला किया, इसका उनको इनाम मिला है। राज्यसभा में जो पिछले सदन में जो कुछ हुआ, बवाल, हंगामा और बहुत सारी चीजें हुई, चूंकि सभा के सभापति भी होते हैं, तो एक बहुत मजबूत प्रशासक, जैसे उन्होंने ओम बिरला को लोकसभा में बैठाया, उसी तरीके से वो राज्यसभा में भी चाहते थे कि एक स्ट्रांग प्रशासक जो विपक्ष से बहुत अच्छी तरीके से मुकाबला कर सके, वो उन्होंने बैठाने की एनडीए ने कोशिश की है। और मुझे लगता है कि चूंकि उनके पास बहुमत है, लेकिन जगदीप धनखड़ के पीछे यही है कि एक अच्छा प्रशासक वो लाना चाहते थे, और ये जगदीप धनखड़ को ये उसका इनाम मिला है जो बंगाल में उन्होंने काम किया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है, जगदीप धनखड़ होंगे एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। आपको बता दें पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, उसके अलावा राजस्थान से इनका गहरा नाता है, राजस्थान की जन्मभूमि है, और राजनीति की शुरुआत भी उन्होंने वहां से की, और अपने बोल्ड फैसलों को लेकर काफी चर्चा में रहे हैं, और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया, नमस्कार।